सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भाजपा आम चुनाव के प्रचार कैंपेन को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह के देश भर में होने वाली रैलियों और रोड शो का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोदी देश भर में करीब 125 तक सभाएं करेंगे। इस खबर में आगे आपको और भी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे बनता देखना चाहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं खबर की ओर। मोदी की सर्वाधिक सभाएं यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में होंगी। इन राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी 100 से 125 चुनावी सभाएं और रोड शो कर सकते हैं। शाह की सभाएं प्रधानमंत्री के बराबर या उनसे ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि मोदी सबसे ज्यादा 20 रैलियां यूपी में कर सकते हैं। मोदी देश की 543 में से 500 सीटों को रैलियों के जरिए कवर करेंगे। उनका कार्यक्रम ऐसे बन रहा है जिसमें वे हर फेज में छोटे राज्यों में कम से कम एक रैली और बड़े राज्य में 2 से 3 जनसभा करेंगे। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग है। पहले चरण में मोदी 29 या 30 मार्च से रैलियां शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने 7 चरणों के लिए सीटों का क्लस्टर बनाया है। इसमें एक क्लस्टर में 3 से 4 सीटें शामिल है। इस लिहाज से मोदी की यूपी में 20, बिहार में 10, पश्चिम बंगाल में 10 से 11, ओडिशा में 5 रैलियां संभावित है। 7 चरणों में चुनाव है, ऐसे में 78 सभाएं तो होंगी ही। कुछ राज्यों में 2 से 3 बार सभाएं करेंगे। इस तरह ये आंकड़ा 100 से 125 तक पहुंच रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।